फ्रेंड्स, बॉलीवुड बस के साथ मैं कीर्ति एक बार फिर से हाजिर हुआ। ये डालते हैं एक नजर बॉलीवुड गलियारे पर। बॉलीवुड की देसी गर्ल को मिला विदेशी बॉयफ्रेंड। अमेरिकी सिंगर निक जोन्स के साथ प्रियंका चोपड़ा के रिलेशंस की खबरें अभी तक ताजा ही थी, लेकिन इस खबर को आग तब और मिली जब दोनों को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। शुक्रवार को प्रियंका और निक जोन्स मुंबई में नजर आए और इसके साथ ही जोड़ी हाथ में हाथ डाले साथ में डिनर डेट पर भी नजर आई। प्रियंका चोपड़ा ने पूरी कोशिश की कि वो एयरपोर्ट पर मीडिया की नजरों के कैमरे में ना कैद हो पाए, लेकिन फिर भी इस जोड़ी की झलकें कैमरे में कैद हो गई। प्रियंका इस डिनर डेट पर चेक ड्रेस में नजर आई, वहीं निक जोन्स व्हाइट शर्ट और ट्राउजर में दिखे। इस डिनर डेट पर प्रियंका अकेले ही नहीं बल्कि अपनी फैमिली के साथ पहुंची। प्रियंका चोपड़ा की माँ मधु चोपड़ा, जो उनकी बिजनेस पार्टनर भी है, इस डिनर डेट में उनके साथ नजर आई। वहीं प्रियंका के भाई भी यहां स्पॉट किए गए। मधु चोपड़ा यहां फ्लोरल साड़ी में नजर आई। लगता है कि निक के बाद अब प्रियंका भी अपने परिवार से उन्हें मिलाने के लिए तैयार है। बढ़ते हैं मनोरंजन की अगली खबर की ओर। फैंस के लिए सपना चौधरी ने लिया एक बड़ा फैसला, वीडियो हुई वायरल। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी आजकल सुर्खियों में तो छा ही रहती है और बिग बॉस से निकलने के बाद उन्हें कई ऑफर्स भी मिल रहे हैं। सपना डांसर से एक्टर और अब टीचर भी बन गई हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सपना ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने अपने फैंस को खुलेआम चुनौती दी। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि सपना चौधरी एक बेहतरीन डांसर है, यहाँ तक कि उनके डांस के दीवाने बिग बॉस में भी नजर आए। अगर हम आपसे कहें कि सपना चौधरी आपको घर बैठे डांस सिखाएंगी तो आप क्या कहेंगे? अरे जनाब, ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। दरअसल सपना चौधरी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो अपने फैंस को अपने फेमस गाने तेरी आँखियाँ का ये काजल पर डांस करते हुए दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो के साथ ही सपना ने अपने फैंस को डांस करने का भी चैलेंज दिया। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सपना चौधरी, प्लीज फॉलो माई डांस टीचिंग वीडियो। Hope you learned this video. Please download Vico Video. वहाँ आपको मिलेंगे मेरे सारे के सारे डांस वीडियोस। Join my dance challenge. Share your dance video to Instagram and Facebook. I will select 10 lucky winners जिनको मिलेगा 50,000 रुपए यानी कि 50,000 रुपीस जीतने का मौका। अपनी डांसिंग से फेमस हुई सपना चौधरी अब राजनीति में भी रख सकती है कदम। इन खबरों को हवा तब मिली जब सपना चौधरी शुक्रवार को कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के 10 जनपद स्थित कार्यालय जाकर उनसे मिलने का वक्त मांगा। इस कदम से उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगने लगी हैं। हालांकि इस बारे में उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बढ़ते हैं मनोरंजन की तीसरी खबर की ओर। आईफा अवार्ड 2018 के लिए बॉलीवुड के सितारों ने ग्रीन कार्पेट पर बिखेरा अपना जलवा। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स वीकेंड में बैंकॉक के सियाम निर्मित थिएटर में शुरू हो चुका है। एक दशक के बाद दुनिया के सबसे लोकप्रिय थिएटर में चल रहे 19वें एडिशन का अवार्ड फंक्शन 22 से 24 जून तक चलेगा। अवार्ड फंक्शन की शाम ग्रीन कार्पेट से शुरू हुई और ऐसे में वहां पहुंचे सिनेमा जगत के कई दिग्गज सितारे। तो ऐसे ही बॉलीवुड के कई नए चेहरों ने भी अपने अंदाज में लोगों की निगाहें खुद पर टिका ली। ग्रीन कार्पेट पर अनिल कपूर, करण जौहर, बॉबी देओल, दिव्या खोसला, भूषण कुमार, वरुण धवन, अर्जुन कपूर, श्रद्धा कपूर, कृति सैनन और दिया मिर्जा जैसे सितारों ने अपने जलवे बिखेरे। वहीं अवार्ड्स के लिए पहले ही फिल्म जग्गा जासूस ने टेक्निकल कैटेगरी में 3 अवार्ड जीते हैं। इनमें सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर, सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी और स्पेशल इफेक्ट्स शामिल हैं। वहीं फिल्म बरेली की बर्फी के लिए नीतीश तिवारी और श्रेयस जैन ने सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखन का अवार्ड जीता। शुभ मंगल सावधान के लिए हितेश केवालिया ने सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन का अवार्ड भी जीता। यशराज फिल्म्स के दिलीप सुब्रमण्यम और गणेश गंगाधर ने फिल्म टाइगर जिंदा है के लिए सर्वश्रेष्ठ साउंड डिजाइन का अवार्ड जीता। फिल्म बादशाहों के गाने मेरे रश के कमर के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड नुसरत फतेह अली, A1 मेलोडी फना और मनोज मुंतशिर को मिला। आपको बता दें कि इस बार आईफा अवार्ड में विद्या बालन की फिल्म तुम्हारी सुल्लू को सबसे ज्यादा नॉमिनेशन भी मिले हैं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हम हाजिर होते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।